बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 द साउंड वेव्स। वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इन द प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस अबाउट द एमसीक्यूज एंड द रिव्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 साउंड। इफ़ यू मिस दीज वीडियोस प्लीज वॉच फर्स्ट दीज वीडियोस इन यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट। चेक आउट दीज वीडियोस। आई आल्सो पुट द लिंक ऑफ दीज वीडियोस इन कार्ट एंड आल्सो इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। The first question is that why two tin cans with a string stretched between them to be better way to communicate than merely shouting through the ear। कहता है कि हमारे पास अगर दो टिन हैं तो उनके साथ एक दूसरे दो बंदे हैं, दोनों के पास टिन हैं और दरमियान में एक हमारे पास क्या वायर लगी हुई है। छोटे होते हुए आपने जब छोटी एज में होंगे ये एक्सपेरिमेंट लाजमी किया होगा, अगर नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहता है ये बेटर वे है कि आप चीखें आम हालात में, ठीक है। तो कहता है कि जब हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं दो टेंस के दरमियान तो ये कम्युनिकेट करने का एक बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड वेव्स क्या करती हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, तो इन्हें मीडियम की ज़रूरत है। उसके लिए हमने टिन और क्या किया, उस रस्सी यानी रूप को इस्तेमाल किया। हम पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव्स की प्रोपोगेशन, साउंड की जो प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ साउंड वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है देन एयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो इसलिए जो हमारे पास कम्युनिकेशन होगी टिन में दो टिन्स के दरमियान वो क्या होगी, बेटर कम्युनिकेशन होगी अगर हम हवा में बोलें, क्योंकि हवा में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए हमारे पास मोशन जो है पार्टिकल्स की वो कम होती है। सो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी एयर में कम होती है, लिहाजा चूँकि ये एक सॉलिड मीडियम है तो इसमें साउंड ऑफ वेव जो है स्पीड ऑफ साउंड वो ज़्यादा होगी बनिस्बत एयर के, तो ये एक बेटर वे है कम्युनिकेशन का। दूसरा क्वेश्चन है वी कैन रिकनाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्राम देयर वॉइस, हाउ इज़ पॉसिबल। कहता है कि अगर आप दो पर्सन हैं उनकी हमारे पास क्या है, लाउडनेस सेम है, तो हम उनकी जो वेव फॉर्म्स है उसका डिफरेंस करके दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि कौन सी आवाज़ किसकी है। मैंने क्या आपको बताया था कि लाउडनेस अगर सेम हो, पिच सेम हो, तो हम दो साउंड्स के दरमियान डिफरेंस क्वालिटी ऑफ साउंड से कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड में हम दोनों साउंड्स की वेव फॉर्म को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि आया दोनों वेव फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कहता है यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट You cannot watch him हर वाय। मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव्स जो हैं जब ये ट्रेवल करती हैं अराउंड द ऑब्स्टेकल्स ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज वेव लेंथ, ठीक है। तो ये कॉर्नर के जो कॉर्नर होते हैं ऑब्स्टेकल्स के उनके साथ क्या करती हैं, डायफ्रैक्ट हो जाती हैं, कुछ जो है वो एंगल पे मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हम एक पर्सन की जो कि एक ओट के एक ऑब्स्टेकल के दूसरी साइड पे खड़ा है आया, उसे देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसकी साउंड को सुन सकते हैं, तो यहाँ पर जो फिनोमेना हमारे पास हो रहा होता है हम उसे डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड ऐसा फिनोमेना होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड दाखिल होता है तो कुछ एंगल पर वो डायफ्रैक्ट होता है, जिससे उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और हमारे पास क्या डायरेक्शन में कुछ एंगल में चेंज आता है, ठीक है। कहता है वी मस्ट द वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो इन द रूम विल बी वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन द रूम विद अ वुडन फ्लोर। कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है स्टीरियो का विद वॉल टू वॉल कारपेट होता है वो ट्यून्ड होता है हायर देन वो रूम जिसका हमारे पास फ्लोर क्या होता है, वुडन का होता है। कहता है वॉल्यूम ऑफ स्टीरियो इन द रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट बी ट्यून्ड हायर देन इन रूम विद अ वुडन फ्लोर बिकॉज, उसकी रीज़न हमारे पास ये होती है कि जो कारपेट होता है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि साउंड प्रूफिंग में कि हमारे पास अगर सॉफ्ट मीडियम हो, पोरस मीडियम हो जिसमें हमारे पास पोर्स हों, छोटी छोटी खाली जगहें हों, तो वो मीडियम साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमने एक साउंड की करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी कि साउंड एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम वुडन को लगाते हैं क्योंकि वुडन की सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड सरफेस होती है और ना वो पोरियस होती है, ठीक है, ना उसमें पोर्स होते हैं, तो लिहाजा
जो साउंड है वो वुडन में एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। कहता है कि अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है कि दो टर्म स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रेफर द सेम थिंग, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स। कहता है कि अगर साउंड कोई बच्चा कहे, कोई स्टूडेंट कहे स्पीड और फ्रीक्वेंसी के हवाले से कि वो सेम थिंग है, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। हम कहेंगे कि वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स है, ठीक है, और वेव स्पीड क्या करती है, हमें मैयर करके देती है कि स्पीड की वेव जो है वो क्या है, कितनी देर में वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पीड में हम क्या करते हैं, हम मैयर करते हैं कि साउंड ने कितना फासला कितनी देर में ट्रेवल किया है, उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो ये हमें बताती है कि कितने टाइम पीरियड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ़ वेव्स, कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं एक सेकंड में पर यूनिट एरिया पे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचर ऑफ़ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड क्या करती है, नेचर ऑफ़ मीडियम पे डिपेंड करती है। वो ऐसा कि सॉलिड में इसकी स्पीड और होती है, गैसेज में और होती है। कहता है टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूज़िक एट द सेम डिस्टेंस, दो पीपल एक ही जगह पर म्यूज़िक को सुन रहे हैं एक सेम डिस्टेंस से, दे डिसएग्री ऑन इट्स लाउडनेस। कहता है कि दोनों डिसएग्री हैं लाउडनेस से, बिकॉज़ ये लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, सेंसिटिविटी ऑफ एयर पे। मैंने आपको बताया था कि लाउडनेस फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पे डिपेंड करती है। अगर फिजिकल कंडीशन एयर की अच्छी है तो आप अच्छी तरह साउंड को सुन सकेंगे, अगर आपके पास फिजिकल कंडीशन जो है क्या है बुरी है, तो आप एयर को क्या कर सकते हैं, साउंड को अच्छी तरह सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती। कहता है इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में कोई फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया था कि इको भी सेम है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी सेम है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से मुराद ये है कि जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कुछ एंगल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है, फुलफिल करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो गई, इको पैदा हो गई, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर आप माउंटेन पे खड़े हों और आप बार बार बोलें तो कुछ अरसे बाद आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। तो ये फिनोमेना इको है, इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, कि साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन ज़रूरी है, कि आपका वाइब्रेटिंग बॉडी का और ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है, और इनके दरमियान टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। कहते हैं कि आपके पास दो साउंड वेव्स हैं, एक 50 डेसीबल की है और एक क्या है 100 डेसीबल्स की है, आप दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंस करेंगे। कहते हैं कि डेसीबल हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ जो है, लॉगरिथमिक इंटेंसिटीज ऑफ साउंड पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो 50 डेसीबल की साउंड वेव है फ्रॉम द टू बॉडीज डज नॉट कंस्टिट्यूट द 100 डेसीबल साउंड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसकी लाउडनेस जो होती है और वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। कहता है वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल इन मैकेनिकल मेडिकल फील्ड, मैंने आपको बताया था कि मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड को हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसमें हम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स की शेप चेक करने के लिए, आया हमें कोई डिफॉल्ट फॉल्ट तो नहीं है, उसको लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनकी एनर्जी आम जो हमारे पास साउंड वेव होती है उनकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे मेडिकल में और टेक्निकल फील्ड दोनों में इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा फिज़िक्स इन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में अगर आपको मिलती रहें। अगर आपको कोई मसलन प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना भी और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।